इस बार हॉनसन को गेंद को बोला है, बहुत ही एक्सलेंट स्ट्रोक, काफी खूबसूरत स्ट्रोक है और फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद सी मारे का पार करती हुई गेंद चार रनों के लिए, खूबसूरत यह स्ट्रोक निकलता हुआ चार रनों के लिए। बार गेंद को धकेला, बहुत ही एक्सलेंट स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, बिल्कुल गैप में धकेला गेंद को और कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा पार करती हुई गेंद चार रनों के लिए। प्रवीण कुलकर्णी एक बार अगली गेंद करने के लिए आनंद बाले 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार हल्के हाथों से गेंद को बोला है, फील्डर काफी दूर है, कम से कम दूसरा रन मिल सकता है। जी हाँ, तालमेल काफी बेहतर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, दो रनों का इजाफा होता है स्कोर में, इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 36 रन स्वस्तिक किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इसके डॉक्टर किरण जी देशमुख इनके ओनर है। बैक टू वाले, एक्सलेंट स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ चार रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक, थोड़ी सी और पिच गेंद में ले बैक टू वाले स्ट्रेट ड्राइव किया और गेंद को भेजा सी बारे का पार करती हुई। इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी निखिल दोरलाल, सबसे महंगे खिलाड़ी निखिल दोरलाल इस टूर्नामेंट के, फिलहाल बल्लेबाजी करती है 12 गेंदों में 20 रनों पर। लेग स्टंप को छोड़ते हुए व्हाइट का इशारा दिया जा रहा है। और इस बार बहुत ही एक्सेलेंट फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग थे, सनत कुमार मालगे थे फील्डर, शानदार फील्डिंग सनत कुमार मालगे के द्वारा। पांच ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 46 रन एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वस्तिक किंग्स। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ी सी जगह मिली, विट मिली और बल्ले के बीचों बीच लेकर बहुत ही एक्सलेंट प्लेसमेंट, सही टाइमिंग, गेंद को गैप में भेजा और गेंद निकल रही सी बारे का पार करती हुई। ड्राइव किया था एक्सलेंट चार रनों के लिए और इन चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 47 रन। बैक टू बॉलर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पहले टप्पे पर गेंद सीमा रेखा पार करती हुई गेंद चार रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक ये निकलता हुआ चार रनों के लिए। इन चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन एक विकेट के नुकसान पर।
ओ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच ले लिया, जबरदस्त प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार करती हुई। निखिल दोरदार के बल्ले से लेफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, बल्ले के बीचों बीच ले लिया, और पिच गेंद मिली थी और बहुत ही जबरदस्त प्रहार लगा दिया और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार करती हुई गेंद। 94 रन 94 रन। इस बार उठाकर खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और पिच गेंद मिली थी, इनसाइड आउट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ और 50 रन की धुआंधार पारी इस बार पूरी हुई। शानदार 50 रन अपनी टीम के लिए, बिल्कुल तालियों के साथ सराहना की जा रही है इस पारी की, शानदार पारी। 37 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, 103 रन 100 रन भी पूरे होते हुए। आमिर शेख गेंदबाजी करने के लिए, इस बार उठाकर खेला, हवा में गेंद मगर कोई मौका नहीं फील्डर के पास, दर्शक बनकर रह गए फील्डर, और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से हवाई यात्रा पर सहर करने के लिए निकली 6 रनों के लिए। बैक टू बॉलर खेला है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ले लिया, जबरदस्त प्रहार और गेंद सीमा रेखा पार करती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और इसी के साथ 150 रन भी पूरे होते हुए 155 रन। लेफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, बल्ले के बीचों बीच ले लिया, और पिच गेंद मिली थी और कोई मौका नहीं दर्शक फील्डर के पास, फील्डर बने दर्शक। और स्लिप लिख किया, शानदार, इतना विश्वास था स्ट्रोक में, 6 रनों के लिए, क्या स्ट्रोक खेला है, गजब का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक। इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर निखिल दोरदार, आमिर शेख अगली गेंद लेकर, ओ क्या शॉट लगा है, गजब का गगनचुंबी है, छक्का 6 रनों के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, गगनचुंबी छक्का 6 रनों के लिए, क्या पारी चल रही है, जबरदस्त पारी चल रही है। 55 के दो में 86 रनों की धमाकेदार विस्फोटक, शानदार जानदार पारी चल रही है 6 रनों के लिए 193। चौदह कदम दूर शतक से, हालांकि तीन ही गेंदे बचे हैं, क्या तीन गेंदों में तीन छक्के लगा पाएंगे, शतक पूरा कर पाएंगे, तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल अगली गेंद लेकर आमिर शेख, 86 रनों पर 55 गेंदों में सबसे सही बल्ले पर आई नहीं, मगर फिर भी निश्चित यहां पर तालमेल खराब होता हुआ, और यहां पर निश्चित ही रन आउट के तौर पर विकेट जाता हुआ निखिल दोरदार का। शानदार फील्डिंग की बदौलत, खूब ही बढ़िया फील्डिंग की थी, आयुष गंजे थे फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था, हालांकि तालमेल काफी खराब था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, मगर क्या पारी खेली है, शानदार पारी, जबरदस्त पारी खेली अपने टीम के लिए।